Good morning, friends. So today we are going to talk about the important topic. The topic is about letter to writer, which is very important for 10th class and 11th and 12th also. So in Hindi, I'll make you understand. Again, I'll make you clear in a Hindi, because Hindi makes, in a Hindi you can understand better. आज हम बात कर रहे हैं लेटर टू राइटर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंथ में तो पक्का ही आएगा, आपके एग्जाम में, बोर्ड में भी आएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म में भी आएगा। टेंथ में तो ये 8 नंबर का पक्का है, और 11th और 12th में 95% 11th 12th में भी ये पक्का ही है। 10th ये 12th में बोर्ड के एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देखना आपको, वीडियो देखने से, और आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी आल्सो क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखना है हमें। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, लेटर टू राइटर का फॉर्मेट तो बच्चे याद कर लेते हैं और उन्हें कंटेंट भी पता है, उन्होंने रट रखा है, पर तरीका कैसे लिखा जाए, नंबर कैसे अट्रैक्ट किया जाए, नंबर कैसे लिए जाए टीचर से, कैसे टीचर को अट्रैक्ट किया जाए कि हाँ ये फॉर्मेट वो दिखने में लगे, आपने पेज पे लिखा है तो लगे कि हाँ ये अट्रैक्टेड है और इस पे नंबर दे दे टीचर, उस पे नंबर दे दे। तो मैं आपको बताऊंगा तरीका लिखना कैसे है और क्या फॉर्मेट है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2-3 महीने आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बाकी आपके सामने यही फॉर्मेट, आपको सेम फॉर्मेट, सिर्फ 2 लाइनें आपको अपनी तरफ से बना के लिखनी है, किसी भी टॉपिक पे आ जाए। सोचो ये आपको पूरा मिला हुआ, यही लिखना है। सो सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस यहाँ पे सपोज करो। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, लेटर टू राइटर हम लिखते क्यों एडिटर को, 10th वाले बच्चों के लिए, शायद 12th वाले 11th वाले बच्चों को पता हो, पर 10th वाले बच्चों के लिए क्यों लिखते हैं लेटर टू राइटर। एडिटर मीन्स संपादक, एक संपादक एक न्यूज चैनल के, न्यूज पेपर को हम लेटर लिख रहे हैं किसी समस्या के लिए, अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए कि सर मेरे एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को जरा अपने अखबार में उठाएं, अपने अखबार के कॉलम में उठाएं, और उससे क्या होगा, जो अथॉरिटी होगी इससे संबंधित उसका ध्यान इस पे जाएगा और उस पे काम करना शुरू कर देगी, शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपके कोशिश से। तो इसलिए लेटर टू राइटर लिखा जाता है। सो आज बात करेंगे लेटर टू राइटर में, देखिए आप हमें सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, जो लिख रहा है वो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा अपना एड्रेस। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स लिख देना सेल्फ एड्रेस। सपोज करो मैं भजनपुरा से, तो भजनपुरा से हो तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे, कि B1 जो भी एड्रेस आपका B1/2 भजनपुरा दिल्ली 92। फिर डेट, एक लाइन छोड़नी है इन दोनों हेल्प एड्रेस के बाद, आपको डेट लिखने से पहले एक लाइन छोड़नी पेपर, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, लेकिन फॉर्मेट एकदम सीधा। देखो आपको सेल्फ एड्रेस के नीचे तुरंत डेट, ऐसा ना हो कि एक लाइन यहाँ से शुरू है दूसरी यहाँ से, आपको एकदम पेज के सीधे सीधा लिखना है, एक लाइन यहाँ है तो दूसरी भी नहीं होगी, तीसरी भी नहीं होगी, सीधा एकदम होना चाहिए। तो सेल्फ एड्रेस एक लाइन छोड़ के डेट, दूसरी लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन फिर छोड़ेंगे डेट के बाद, सेंडिंग एड्रेस। सेंडिंग एड्रेस फ्रेंड्स यू नो सेंडिंग एड्रेस क्या होगा, जहाँ पे आप भेज रहे हैं, टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। यूजली ये आपको पेपर में दिया होगा कौन से एडिटर के लिए, या कई बार देते हैं टू द नेशनल डेली, पेपर में लिखा होगा राइट अ लेटर लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली। नेशनल डेली मतलब जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है जो डेली आता है, वो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम लिख सकते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स का लिख सकते हैं। तो वहाँ पे रैंडमली कंफ्यूज नहीं होना 10th वाले बच्चों को कि इसमें नेशनल डेली में क्या लिखा है, उसमें आप टाइम्स ऑफ इंडिया और टू द हिंदुस्तान टाइम्स, और 10th वाले बच्चों को तो पता ही है नेशनल डेली पता होगा। उसके बाद आपको फिर से सेंडिंग एड्रेस के बाद एक और लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट लिखना है, एक आपको लाइनें छोड़ के रहनी है, सेल्फ एड्रेस फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के सेंडिंग एड्रेस, फिर लाइन एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ऑफ ऐसे लिखना है आपको, सब्जेक्ट डैश प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ के बाद जिस चीज की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माय एरिया, प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन माय एरिया, प्रॉब्लम ऑफ ईव टीजिंग इन माय एरिया, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन माय एरिया, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर लिखना है सर, एक लाइन छोड़ के आप इस पेज के इस तरफ से राइट हैंड साइड तरफ से पेज के सर के बाद कॉमा लगना है। न्यू फॉर्मेट आया है, कई लोग बोलते कॉमा नहीं लगता, आप ना लगाए, एक नया फॉर्मेट जिसमें कॉमा नहीं लगता है, तो आप सर लिखें सर के बाद, और जो सर के नीचे से है अगली लाइन को आपको यहां से शुरू करना है, सेम लाइनें लिखनी है आपको, कुछ नहीं करना है बच्चों, यही लिखना है, सिर्फ 2 लाइनें आपको यहां पे ऐड करनी है, खुद लिखनी है, पूरा लेटर टू राइटर है, रट्टा मार लो लिखा हो। यहाँ पे देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टू द प्रॉब्लम ऑफ,
क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माय एरिया। अब आपको दो लाइन बना देनी है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पेपर चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम कुछ इंपोर्टेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, और भी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद आपको जहां पे अपना मैटर खत्म करना है वहां पे एक वो पैरा वहीं छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपने प्रॉब्लम आप लिखा और दो तीन लाइनें लिखी, वहीं पे पैरा खत्म करना है और एक लाइन छोड़ के नया पैरा शुरू करना है जो मैंने लिखा है। और ये नया पैरा आपको नई लाइन से शुरू करना है और एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और करना सीध नहीं है बिल्कुल, आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखो मेरा भी ये ओ ओ ए से नीचे आ गया, पर आपको यही और सीधा लिखना है, ठीक है? नीचे यहाँ पे ऑल दिस इज स्मॉल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट रियलिटी, इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ यू कुड टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप टू बेंड द सिचुएशन इमीडिएटली इन द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पीपल। आई होप द मैटर वुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, थैंकिंग यू योर फेथफुली सिंपल। आपको अपना नाम तो लेटर टू एड्रेस सपोज करो मैंने लिखा प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखा, इसमें हिंदी में कंटेंट क्या है, क्या लिख रहा हूँ? सपोज मेरे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन माय एरिया, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आपका आदर करते हुए आई वुड लाइक टू आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न संबंधित अथॉरिटी है, अगर वाटर की प्रॉब्लम है तो दिल्ली जल बोर्ड संबंधित अथॉरिटी है, तो उसे लिख रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ मैं कि आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा संबंधित अथॉरिटी का टू द प्रॉब्लम ऑफ इस प्रॉब्लम की तरफ जो मेरी वाटर की प्रॉब्लम है। All this is a small observation of set reality. It would be appreciated, sir, आपकी सराहना की जाएगी if you could take some concrete step to bend this. अगर आप कुछ इस सिचुएशन को खत्म करने कुछ कदम उठाएं, concrete step, तो सख्त कदम उठाएं to bend the situation in the wider interest of people. I hope, आशा करता हूँ the matter would be given top priority. आशा करता हूँ कि matter को उच्च स्थान मिलेगा, जो मैंने ये मेरा मामला है इसे उच्च स्थान मिलेगा। Thank you, your faithful. So, friends. This is a letter to editor which is very important for 10th, 11th and 12th class. So friends, you have the format, you have the lines, and you have to write only 2-3 lines and your letter would be finished. So that is why it's very important letter to editor for 10th, 11th and 12th. So you must do this because it is going to be in your exam. In next video, I'm going to come with the important lesson, the important thing. This was the letter to editor from that.